पिछले दो दिन तो गल्लां कीतियां कि जो कुछ जिस ढंग नाल मान साहब ने स्थिति नूं सांभिया वह वधाई के हकदार ने, लोग खुश ने और उन्होंने होर लगा कि यार वाकया ही एड्डी गंभीर स्थिति नूं कंट्रोल करना और किसे पंजाबी दा गुरु ग्रंथ साहब जी तो लैके पंजाब दे किसे भी सिख दा किसे पंजाबी दा किसे पंजाब दी गली दा पिंड दा किते कोई नुकसान नहीं कीता, किते कोई अथरू गैस, किते कोई लाठी चार्ज, किते कोई गोली, किते कुछ ना करदे होए जिस ढंग दे नाल स्थिति नूं जिहड़ा सांभिया कंट्रोल कीता वह एक शलाघायोग कदम है और पूरे दुनिया के लोग इस गल ते खुश ने। और एक गल स्पष्ट हो गई कि पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ विकास दियां लीहां ते चल रहा। जिहड़ा भी कोई बंदा इन्हां विकास दियां लीहां तों पंजाब नूं लाउण दी कोशिश करूगा उस बंदे दे अंगेस्ट सख्त कार्रवाई जिहड़ी कीती जाऊगी। पंजाब दे कुड़ियां ते मुंडियां पंजाब दी नौजवान पीढ़ी नूं गोलियां दी जां बंदूकां दी लोड़ नहीं, जॉबां ते लैपटॉपां दी लोड़ है। जिहड़ी कोशिश सरदार भगवंत सिंह मान जी कर रहे हैं जिन्ना विकास जिन्ना लोगों नूं नौकरियां दित्तियां ऐसले पंजाब एक इमानदार मुख्यमंत्री दे हत्थां दे विच है और विकास दियां लीहां ते है। उदों विकास दियां लीहां तों पंजाब नूं सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार जिहड़ी कदी नहीं लत्थन दऊगी। सो तीन दिन तो जिस ढंग दे नाल जिस तरीके दे नाल सारी स्थिति ते कंट्रोल कीता है ये पहली बार इदां होया। पहला भी पंजाब दे विच तुसीं सारे मीडिया लोग जाणदे हो जदों कि इदां दी स्थिति नूं पहले लीडरां ने कंट्रोल करन की कोशिश की ते बहुत सारा पंजाब का नुकसान होया, पंजाब के बहुत लोग पंजाब नूं अग दे विच झोंक दिता गया। पर अज जिहड़ा वह बहुत चंगे ढंग दे नाल बहुत अच्छे ढंग दे नाल पंजाब दी पुलिस ने सरदार भगवंत सिंह मान की अगवाई हेठ पंजाब दे पुलिस अफसर ने मुलाजमान ने बहुत ही वधिया ढंग दे नाल स्थिति नूं जिहड़ा कंट्रोल किया। और जिहड़ा साडे ते बार बार कहा जाता सी तुसीं कार तुसीं कोई सर मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तुसीं भी जदों मिलदे कई बार पुछदे सी कि सर कार्रवाई नहीं हो रही कार्रवाई नहीं हो रही। सो असी उदों ही कहिंदे सी कि असीं उदां दा काम नहीं करना चाहुंदे जिहदे नाल पंजाब च किसे दा कोई नुकसान होवे, किसे साडे पंजाबी दा कि सिख दा कोई नुकसान होवे। सो जिस ढंग दे नाल असीं इस स्थिति नूं नजिठ रहे जिस ढंग दे नाल मान साहब इस स्थिति नूं जिहड़ा नजिठ रहे आ मैं उहनां नूं वधाई देना चाहुंदा, सल्यूट करना चाहुंदा और उहनां पुलिस मुलाजमां नूं भी सल्यूट करना चाहुंदा जिन्हां ने मतलब पहलां भी अजनाले दे विच वी स्थिति नूं बहुत वधिया ढंग दे नाल नजिठिया ते हुण भी पंजाब दे विच बिना किसे नुकसान होए तो जिन्हां लोकां ने पंजाब दे अमन कानून की स्थिति नूं वगाड़ की कोशिश की उन्होंने खिलाफ जिहड़ी कार्रवाई की है। और एक मैसेज दिता कि पंजाब की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान की अगवाई हेठ पंजाबियों ने जिहड़ा भरोसा सरदार भगवंत सिंह मान से जताया 92 MLA जिताए उस सरकार ने लोगों का भरोसा नहीं टुटन दिता और एक मजबूत सरकार से मजबूत मुख्यमंत्री की तरह सारी स्थिति को जिहड़ा असीं हैंडल किया। सो मैं एक बार फिर तुहाडे राही पूरे दुनिया के पंजाबियों नूं सिख भाईचारे नूं मैं कहना चाहुंदा कि तुहाडा पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान के हत्थां दे विच बिल्कुल सुरक्षित है। कोई डरन की लोड़ नहीं, कोई घबराउण की लोड़ नहीं। असीं किसे नूं भी पंजाब का अमन कानून जिहड़ा वह खराब करन की आग्या बिल्कुल नहीं दांगे। असीं पंजाब नूं विकास दीआं लीहां ते खड़ना, पंजाब के हत्थां दे विच जिहड़ा जॉबां देनियां ते लैपटॉप देने आ इह साडा जिहड़ा मुख जिहड़ा कम है। सो मैं यही तुहाडे राहीं जिहड़ा पंजाबियों नूं कहना चाहुंदा कि बिल्कुल अमन कानून की स्थिति ठीक है हर पासे, कोई भी किसे भी बंदे ने पंजाबियों ने भी बहुत सारा सहयोग दिता क्योंकि पहला तुहाडे सामने कांग्रेस पार्टी साडे तों मंग कर रही सी, BJP मंग कर रही सी, अकाली दल मंग कर रहा सी, सारियां कांग्रेस पार्टियां बहुजन समाज पार्टी
हर पार्टी कहती कि अमन कानून जो तोड़ते हैं जो इदा कार्रवाइया करते हैं उन्होंने कंट्रोल करो उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। सो वो जी कार्रवाई हो रही है और बड़े वधिया ढंग हो रही है पंजाब बिना किसी को चपेड़ मारे तो बिना कोई हल्ला गुला किए तो बहुत ही वधिया ढंग के नाल कानूनी प्रक्रिया के राही जो भी उन्होंने कार्रवाई की जो उन्होंने दोष ने जो भी उन्होंने गैर कानूनी काम किया कानूनी तौर पर जरा कार्रवाई जी की जा रही है और कार्रवाई बहुत वधिया होगी। मैं ये ताडे राही जरा अपने मुख्यमंत्री को वधाई देना चाहना कि उन्होंने बहुत चंगे ढंग के नाल जरा पंजाब की स्थिति जो कंट्रोल किया बस वही कहना सी।